तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा काम करने के लिए, और मैं इस टाइम फंस गया हूँ एक सिचुएशन पे। और सिचुएशन क्या है, एक तो है जोमेटो का ऑर्डर ये रहा, और ऊपर से मैं चला रहा हूँ ऊबर। भाई एक साथ डबल धमाके होने वाले हैं। आपकी राइड है क्या है, किस नाम से? भाटी के नाम से आ रहा है। आप हो भाई? आगे हो गया है कुछ कांड। जय श्री राम, सभी भाइयों का राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो गाइस सुबह के बज रहे गाइस 11:10 हो रही हैं, और गाइस हमारे पापा जा रहे हैं गाइस जागरण में, और जागरण में गाइस आसपास कहीं नहीं जा रहे हैं, पापा जा रहे हैं गाइस सैदपुर सेंटर। सैदपुर में जा रहा हूँ, पूरो का सैदपुर सेंटर, जहाँ से फौजी भारत की सीमा पर रक्षा करते हैं गाइस। जो सैदपुर है ना, वहाँ पर सारा फौजियों का काम है, मतलब हर घर से एक फौजी जाता है वहाँ से। हाँ तो मम्मी पापा जा रहे हैं, जाने दे, बाबा बुला रहे हैं, जा रहे हैं। हाँ तो पापा आराम से आना, ठीक है? आराम से जाएंगे बिल्कुल। और सबको गाइस को बाय कर दो भैया, सबको बाय। गाइस अब पापा ना 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं। 5-6 दिन के लिए थोड़ी जा रहे हैं यार, तो ये जा रहे हैं कम से कम 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं पापा। हाँ और देखो कैसे लग रहे हैं, एक फोटो तो हो जाए, एक फोटो हो जाए। हमारे पिताजी एकदम व्हाइट व्हाइट नहीं चले एकदम ऊपर। मम्मी आ जाओ ना, थोड़ा साइड में आ जाओ, और जा रहे। चलो पापा ध्यान से जाना, ठीक है? मम्मी पापा को क्या बोलोगे लास्ट टाइम? अभी आराम से गई हूँ, सेहत का ध्यान रखिए। सेहत का ये इनसे कहने की सेहत का ध्यान रखे, इनका पेट देखना। तो भाई सुबह सुबह हमारे पिताजी चले गए हैं, वो गए हैं सीधा गांव, और गांव से जो हमारे पास में एक गांव पड़ता है, तो वहां पे है जागरण, जैसे कि ऋषि ने बताया आप लोगों को। तो वो गए हैं 15-20 दिन के लिए, क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया था कि हमारे पिताजी जागरण करते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। पर मैं भी जाने वाला था उनके साथ, क्योंकि उनका एक हफ्ते पहले एक जागरण था दादरी, पर मैं जा नहीं पाया क्योंकि मैंने एक चैलेंज किया था 24 घंटे वाला, तो उस चैलेंज में मैं लग गया। मैंने कहा यार वो भी करना ज़रूरी है। जिस दिन मुझे मौका मिला पापा के साथ जाने का, तो आपको उनका जागरण भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमारे पिताजी जागरण करते हैं और किस तरीके से नहीं, ठीक है? गाइज आप लोग बोल रहे होंगे गाइज आज मैं घर पर कैसे हूँ, तो गाइज आज मेरी बहुत प्यारी सी छुट्टी। लो भैया बस हो गया? हाँ हो गई। अरे यार दिखाना, क्लियर ऑल, ये ड्रामा करता मोबाइल नहीं दिखा रहा, देखो। तो टाइम हो रहा है 12:04 हो रही है। तो भाई मैं तो हो गया एकदम रेडी, खाना वगैरह खा के अपनी दवाई गोली खा के भाई मैं हो गया हूँ सीधा रेडी। वैसे दवाई गोली तो मेरी ख़त्म हो चुकी है, एक लीवर की सीसी बची हुई है, वही खा रहा हूँ मैं दवाई, और राम जी की कृपा हुई तो आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा जाएगा। तो बोलो जय श्री राम। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा काम करने के लिए, और मैं इस टाइम फंस गया हूँ एक सिचुएशन पे। और सिचुएशन क्या है, मेरे पास एक तो है जोमेटो का ऑर्डर ये रहा, क्योंकि बैग मैंने रख दिया है घर पे, और ऊपर से मैं चला रहा हूँ ऊबर साथ साथ में। और भाई ये जो ऑर्डर है ये है 62 का, और सवारी जो मिली है ना मुझे, वो भी मुझे 62 की ही मिली है। भाई एक साथ डबल धमाके होने वाले हैं, और यही है कि पहले मैं करूँगा सवारी पिक, क्योंकि मैंने ऑर्डर तो कर लिया अपना पिक, और सवारी करनी है मुझे सिपर सेंसिटिव से पिक, और सीधा 62। सबसे पहले मैं सवारी को छोड़ूंगा 62, उसके बाद मैं ऑर्डर दूंगा, तो यही करने वाला हूँ भाई। बस आज मैं करके देख रहा हूँ क्या होता है दोनों चीज़ों को एक साथ करने में, क्या नहीं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ दोनों चीज़ एक साथ। ये मैंने दिमाग लगाया है, और दिमाग लगाया है तो भैया थोड़ा सा हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी अपनी बाइक की, और तसल्लीपूर्वक दोनों चीज़ ही हमें कंप्लीट करनी पड़े आराम से। तो भाई हमारे जो कस्टमर जो खड़े हैं वो आगे ही खड़े हुए हैं। आप भैया? अरे वाह भैया, कहाँ जाओगे? 62। थैंक यू भैया, मेरा ऑर्डर है ना 62 का। बैठो आप। और भाई देखो मैं हेलमेट भी लिया है, तो जैसे कि भाई मैंने आपको दिखाया था कि ऋषि ने हेलमेट पहना है ना, ना मेरा ऑर्डर ले लिया था मैंने यहीं से जयपुरिया से। नहीं नहीं मैं आज बताऊँ क्या, डबल चीज़ कर रहा हूँ मैं आज, मेरा भी उधर का ही ऑर्डर है ना, पहले आपको ड्रॉप करूंगा फिर ऑर्डर दूंगा। अब चलते हैं भाई, मिशन को करते हैं कंप्लीट।
लो भाई, हम आ गए सीधा 62 और हमारे जब बगल में थार दौड़ती हुई। रुक जा हो दिल दीवाने, ढूंढूं तो मैं जरा, लड़की है या है जादू। भाई देखो मेला ही जुड़ा हुआ है। ये भैया लंच टाइम चल रहा है ना, तो कंपनी के जितने भी वर्कर हैं ना, सारे के सारे खाने पीने पे लगे पड़े हैं। देख रहे भैया ऐसे ही होगा। चलो शुक्रिया भैया, थैंक यू। हम आ गए हैं कस्टमर की जस्ट लोकेशन पे, बस हम पहुंचने ही वाले हैं और लंच टाइम चल रहा है ना, तो इसलिए भीड़ है। कैसे शर्मा रही है, हमको तो लगता है मन ही मन मुस्कुरा रही है। क्या बताएं हम आपको अपने दिल की फीलिंग। घर वालों को बार बार कह गए हैं हम थक कि हमारा ब्याह करा दो। घर वालों के सर पे कोई जू चलती नहीं है, साला हमको ही कुछ करना पड़ेगा रे बाबा। कॉल कर लेते हैं भाई कस्टमर को। तो भाई हमने ऑर्डर कर दिया अपना डिलीवर, सही टाइमिंग पे हम पहुंच गए थे, कस्टमर को दे दिया था हमने ऑर्डर, कोई दिक्कत नहीं आई, दोनों चीज़ कंप्लीट करके। मेरा तो विचार यही कर रहा है कि जिधर का ऑर्डर बजेगा ना, मैं सिर्फ उधर की राइड उठाऊँगा। और वैसे तो 2-3 राइड में ना कैंसिल कर दी थी, क्योंकि वो राइड बज रही थी दिल्ली की, बज रही थी और गाजियाबाद की बज रही थी। मैंने कहा नहीं, मुझे पता था कि 62 की तो एक ना एक बजेगी ज़रूर, कंपनी एरिया है और भाई बहुत सारे लोग जाते हैं कंपनी में, 62 की 100% बसती है। और शायद मैं इधर से जा रहा हूँ तब भी शायद बस सकती है इंदिरापुरम की, कोई पता नहीं है। ओपन करके चलता हूँ, जैसे कोई राइड बज गई ना इंदिरापुरम की, तुरंत उठाकर इंदिरापुरम छोड़ दूँगा और इंदिरापुरम से ही मेरा ऑर्डर बच जाएगा। सीधी सी बात, काम ख़त्म, यही है। एक बम से होंगे डबल धमाके। अरे भैया कैसे ले लेगा फिर रहा है, ऐसा डमरू की तरह एक लाइन में चला ले यार। देख रहा ऐसा का मोड़ है, ऐसा का घुमावे है, ये चाहवे का है, देख रहे हो फिर टेढ़ा कर रहा, ये मजे ले रहा है इसके। खेल भाई देख लो, मैं आया ऑर्डर दे के और जा रहा था सीधा इंदिरापुरम, तो अब एक राइड बच गई है प्रताप बिहार की। जिंदगी इंतकाम लेती है, शायद मुझे लग रहा है मैडम दिखे हैं। आप हो क्या? हाँ ऊबर रश्मि। भाई सामने देखो, ऐसा लगा कि जैसे कि बारिश पड़ रही हो, एकदम घुटन हो गया है मौसम, देख लो भाई। और आगे जाके बस मुझे बारिश ना मिले, अगर बारिश मिल गई तो बस पूरा का पूरा भीग जाऊँगा। अब 3 बज चुके हैं, 3 से लेके और 6 बजे तक मैं ऊबर चलाऊँगा, उसके बाद फिर मैं जोमेटो। और जैसे कि जोमेटो में क्या है कि मैं 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर खा ली आता हूँ ना, तो उससे फ़ायदा है ऊबर से, ऊबर तुरंत ऑन कर ले करूँगा। जैसे इंदिरापुरम कोई राइड बजी तो तुरंत भाई राइड ले आया करूँगा इंदिरापुरम, तो ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा बेफ्यूल का पेट्रोल नहीं फूकने का है। पर अब सही है, अब पास की राइड मिल गई, यहाँ से राइड करके यहाँ से भी और राइड मिलेगी, तो भैया फिर राइड मारेंगे। ठीक है मैम, थैंक यू। तो भाई हमने दूसरी राइड भी अपनी कंप्लीट कर दी, तो भाई मुझे तो मज़ा आ गया कसम से। देखो यार जोमेटो का ऑर्डर भी कंप्लीट करो और राइड भी मारो, तो अब यही है, क्योंकि अब तो खैर 3 बज चुके हैं और अपना क्या है कि अब मैं ऊबर ही चलाऊँगा, क्योंकि 3 बजे के बाद ना ऑर्डर जो बसते हैं ना जोमेटो में थोड़े उल्टे सीधे ही बसते हैं, तो इससे अच्छा है कि अपना ऊबर ही चलाओ। भाई आगे हो गया है कुछ कांड, और कांड क्या हुआ है, पूरा रोड की तो ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। पर भाई बेचारे सिलेंडर वाले भैया के सिलेंडर गए गिर, छोटे हाथी में दादा रखे थे, एक सिलेंडर ये पड़ा और एक सिलेंडर पड़ा आगे, शुक्र मानो कि ये फटे नहीं, अगर फट जाते तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ पे हो जाता। तो भैया थोड़ा थोड़ा कर लो अब आगे, इसी बात पर ये पड़ा जी एक सिलेंडर। चल भैया चल 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 बसंती चल। ये लो जी, वो भी बेचारे ऑटो में है भैया, ऑटो का तो तुम जानते ही हो यार, जहाँ भैया बेकार रोड होता है ना, तो वहाँ पे बताया कि ऑटो ना पूरा हिल जाता है ऐसे करके, तो इसलिए गिर गए। आंटी क्या करोगी तुम आके मेरी गाड़ी के आगे। भाई मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, वो चीज़ मैं क्या भूल रहा हूँ, वैसे तो सब कुछ सही है, हेलमेट भी है मेरे पास छोटा वाला, बैग भी है, पर मैं एक चीज़ भूल रहा हूँ, पूछो क्या, क्योंकि इस टाइम मुझे लग रही है प्यास, और बोतल लाना गया मैं भूल, कम से कम ठंडा पानी तो पी लेता। जब से मैंने वो बैग हटाया है ना,
तो बैग में बोतल रखी हुई, भूल गया मैं तो, बस पानी लाना गया भूल। अब मुझे मैं जा रहा हूँ सीधा अपने अड्डे पे। भाई हमारी आ गई है राइड, तो भाई राइड मुझे बस आगे से लेनी है। तो भाई मुझे लग रही है प्यास काफ़ी तगड़ी। ये हसीना और नीलम परी, पूजा आ गया तेरा फूफा। तो भाई पूजा जी की राइड आई है, तो इनको करेंगे अभी थोड़ी देर में पिक। सिर्फ मुझे पीना है पानी। क्या हाल है तुम्हारे? पानी दो यार ठंडा सा। भाई मेरी जो राइड जो आई थी ना वो राइड हो गई कैंसिल, देख लो कैंसिल। थोड़ा अभी आ गई दूसरी वाली। ये कहाँ की आई है? सूर्यनगर की आई है भाई, सूर्यनगर की राइड आई है। इसको उठा देते हैं। यस 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 यस। दूसरी राइड आ गई वो राइड कैंसिल होने के बाद। पहले आई थी पूजा, अब आई है मोनिका। तो इनको यार फटाफट पिक करते हैं। पानी पी लूँ, पता लगा मोनिका भी राइड कैंसिल कर दे। चल बसंती। अरे यार इसमें पेट्रोल तो डलवाना ही है मुझे, बताओ यार मैं पेट्रोल डलवाना भूल गया। और भैया ये मैन में लगी हुई है, पेट्रोल भी डलवाना है। चलो कोई बात नहीं, डलवा लेंगे पेट्रोल भी। अगर रास्ता भी जो मुझे कोई पेट्रोल पंप मिला ना तो मैं डलवा लूँगा। कहाँ पे हैं मोनिका जी आप? अरे वाह, इनके साथ तो एक बच्चा भी है। और मैम ये जरूर लगा देना। जय श्री राम। रुक जा भैया, यमुना एक्सप्रेस वे आ रही है। तो भाई हम आ गए हैं सूर्या नगर गाजियाबाद। ठीक है मैम, थैंक यू। और मुझे जाना था इंदिरापुरम, जैसे ही मैंने सूर्या नगर से सवारी छोड़ी तो भाई मेरा वैशाली की राइड बज गई। तो भाई शक्तिगंज 4 पे जाकर छोड़नी है और वहीं से ही मुझे पेट्रोल डलवा लेना है। तो भाई ये आज सुबह से बहुत बढ़िया हो रहा है भगवान की दुआ से। भाई मुझे लग रहा कोई लड़की दिखे। आपकी राइड है क्या? हैं किस नाम से? किस नाम से? अभी बात हुई है क्या? देखो भाटी के नाम से आ रहा है। आप हो? मैं आपसे कितनी देर से ढूंढ रहा हूँ। OTP बताइए। 9972 मुझे पहले ही शक हो गया था आप वहाँ पे खड़े हो। अच्छा अच्छा, ठीक है मैम। अब करते हैं सीधा मैम को ड्रॉप और वहीं से डलवाना है हमें सीधा पेट्रोल पंप। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, वेलकम। चलो भाई हमने मैम को कर दिया ड्रॉप, अब चलते हैं सीधा पेट्रोल पंप। और भाई तुम्हारे भाई की बल्ले बल्ले, पूछो कैसे। भाई मुझे इंदिरापुरम में आना था, इंदिरापुरम की राइड मिल गई और पेट्रोल भी डलवाना था। अब भाई पीछे ही पेट्रोल पंप है, अब पेट्रोल भी डलवा लूँगा मैं। आगे जी पेट्रोल पंप डलवा लो पेट्रोल। तो भाई हम डलवा रहे हैं अब 220 रुपये का तेल। रिकॉर्डिंग में चल रहा है? हाँ लाइव 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 चल रहा है, लाइव चल रहा है। तुम भी आ रहा है इसमें? हाँ बिल्कुल आ रहे हो। ठीक है भाई, थैंक यू। हाँ बिल्कुल। तो भाई हमारा पेट्रोल भी डल गया है और सारा काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। रात हो चुकी है और मैं पूरा पसीना में इस टाइम नहा रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा भाई मेहनत करने पे लगा पड़ा है इस टाइम, काम अच्छा हुआ है। और बस ऐसे डेली काम ऐसे हो जाए तो बस सारी प्रॉब्लम ख़त्म जो भी है। और तुम्हारा भाई बहुत ही जल्दी एक सुपर बाइक या एक एडवेंचर बाइक ले लेगा और फिर लद्दाख की ट्रिप मारेंगे। बस मेरा काम ऐसे ही चलता रहे भगवान की दुआ से। पर यह है कि हर दिन एक से नहीं रहते, ठंडा नरम चलता ही रहता है। पर थोड़ा सा वैसे यही है कि भगवान मुझे भी ठीक रखे, क्योंकि इस टाइम आपको पता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है शरीर के अंदर। वैसे तो हिम्मत तो खैर बहुत है, काम करता रहूँ करता रहूँ, पर क्या करूँ शरीर साथ दे तब ना। चलो कोई नहीं, सब ऊपर वाला जैसा रखेगा ऐसे रहेंगे। पर अब मुझे जाना पड़ रहा है सीधा घर। ठीक है, और मेरी जो जोमेटो की जो आईडी है वो हो गई है ब्लॉक, क्योंकि कैश काफ़ी ज़्यादा आ गया था तो इसलिए वो ब्लॉक हो गई, क्योंकि पेटीएम में मेरे पास पैसे है नहीं उसमें भरने के लिए। तो भाई मैं तो आ गया हूँ सीधा अपने घर पे और मेरा खाना वगैरह सब हो गया है और फिलहाल चल रही है सोने की तैयारी। और मैं कर रहा था अपना ब्लॉग एडिट। अब ब्लॉग भाई वही एडिट कर रहा था जो मैंने गलती से डिलीट कर दिया था, 24 घंटे जोमेटो में काम किया था। तो ये रहा वो वाला ब्लॉग, आप देख लीजिए, थोड़ा सा सुनवा देता हूँ। भाई आज हम चैलेंज करने वाले हैं 24 घंटे जोमेटो में काम करेंगे। वही मैं कर रहा हूँ ब्लॉग एडिट। और आप लोग सोचे होंगे कि इतना लेट क्यों आ रहा है, क्योंकि भाई इतना लेट इसलिए आ रहा है
रात को ब्लॉग एडिट करता हूँ, जब भी टाइम मिलता है तब जाके मैं ब्लॉग को एडिट करता हूँ। यहाँ पे आ गया जी हमारा दूध, तो भाई आप भी दूध पी लो। इतने 11-11, 12-12 घंटे काम करता हूँ तो एक गिलास तो दूध बनता ही है। तो करते हैं इस ब्लॉग का ही पेंड, और टाइम हो रहा है भाई 1:14 हो रही हैं। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना सब्सक्राइब, और बेल आइकन कर देना ऑल पे कि जिससे कि आने वाली वीडियो आपको तुरंत की तुरंत मिले। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम। चलो पापा, चलो ध्यान रखना पापा, लव यू। हां हां लव यू, ऐसा मार मत अभी मत आगे। तो भाई टाइम हो रहा है, देखो देखो मैं नहा कर गया। हाँ पट हो गया, क्लियर करता हूँ ना, एक मिनट रहेगी।